वो झूठा है, वोट ना उसको देना मेरे शेखर। असल में बंदरू ओल खोल एक ऐसा चवन प्राश है जो हम सबको जवान रखता है। विकास गांडो थे यानी विकास पगला गया। विकास से जनेऊ तक का सफर बंदूक के साथ उधर पड़ा गुजरात के चुनावी रण में। कितना जीएसटी लगाई है रे सरकार हम पर। ओल खोल, हम इस वक्त हैं पोल खोल के सेट पर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं खुद शेखर सुमन, जो कई साल बाद लौट रहे हैं अपना खास आपका पसंदीदा शो पोल खोल लेकर। शेखर बहुत साल बाद वापस। बहुत साल, हाँ, घर वापसी। हाँ, और मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं मैं क्यों गया, क्योंकि सियासी जो दावपेच हिंदुस्तान में चलते रहते हैं और होते रहते हैं, ये सियासी दंगल, उसमें पोल खोलने की सख्त जरूरत है। जी। दूसरी बात कि हमारे जो नजदीकी रिश्तेदार मित्र हैं, कैसे हो बंदरू? ये तो हमेशा ठीक ही रहता है। खैर, तो बीच में ये शिकायत करने लगे कि मैं बेरोजगार हो गया, आई एम फीलिंग अनएम्प्लॉयड, मेरे बीवी बच्चे हैं। तो मैंने कहा आ जाओ, चलते हैं। इतने साल हो गए, तुम बूढ़े नहीं हुए? बूढ़े हो मेरे दुश्मन, अभी तो मैं जवान हूँ और बंदरों का सलमान हूँ। और चूंकि गुजरात में ये फिर से एक बार ये जो चुनाव जो अब नजदीक है, जो हम बहुत घमासान होने वाला है और उठा पटक होने वाली है, और दो बड़े पहलवान जो कूद पड़े हैं, पहलवान का बड़ा होना या ज्यादा ताकतवर होना मायने नहीं रखता। वो किस तरह की अपनी अक्ल लगाता है और कौन से दावपेच इस्तेमाल करता है, वो बहुत जरूरी होता है। सियासी मुद्दों पे बहुत पैनी नजर रखते हैं शेखर सुमन, और पूछते हैं इनसे जो गुजरात में चल रहा है, गुजरात पर इनकी नजर है और वो आपको शो में तो नजर आएगा ही। लेकिन शेखर, विकास के मुद्दे के साथ शुरू हुआ था गुजरात चुनाव, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मतलब मेरी ही नजर नहीं, अब तो चूंकि हिंदुस्तान अब उस कगार पे आ गया है जहां सबकी नजर सब पे है। गुजरात के विकास से बड़ा अब जनेऊ हो चुका है। मगर आप हैरान क्यों हैं? यही तो होता है हर चुनाव में, ये तो इलेक्शन छे इलेक्शन छे इलेक्शन छे। बोल बंदरू। इलेक्शन छे इलेक्शन छे इलेक्शन छे। विकास का जो मुद्दा हुआ था, अब विकास से ही पूछना होगा कि विकास तुम कैसा महसूस कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें तुमने बताया कि हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन तुम दरअसल उल्टे पांव जा रहे थे, तुम पीछे चले गए? तो खास तौर पर बंदरू जो है, हम सबसे ज्यादा पैनी नजर जो है बंदरू की है। अब पोल खोलने का वक्त आ गया है, एबीपी न्यूज पर हर रोज शेखर सुमन के साथ देखना मत भूलिएगा पोल खोल। रुको बंदरू, मैं भी तुम्हारे साथ गुजरात चलता हूँ, वहाँ जोरों से बज रहा है चुनावी ढोल, वहीं से मैं आपके लिए फिर लेकर आऊंगा पोल खोल, सिर्फ एबीपी न्यूज़। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।